नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, CTET जो CTET की परीक्षा है वो आपकी मालूम है आपको दो बार से ऑनलाइन मोड पे की जा रही थी CBSE के द्वारा। अब देखो, अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। इस बार बहुत बड़ा चेंज किया गया है। इस बार भी परीक्षा ऑनलाइन ही होनी थी, लेकिन KBS की परीक्षा को देखते हुए इस परीक्षा में बदलाव किया गया है। और इस बार ये परीक्षा का जो संस्करण 17वां है वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले वो दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसके पीछे का कारण बताऊंगा कि इसमें क्या है और आपको क्या बेनिफिट होने वाला है इसका चीज़ का। ठीक है, तो आओ सबसे पहले नोटिस दिखा देता हूँ आपको मैं एक बार। देखो साथियों, ये ही है द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर 7th एडिशन सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट द CTET एग्जाम विल नाउ बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड इन पेन पेपर OMR बेस्ड ऑन 28 2023। मतलब 20 अगस्त को होने वाला है ऑल ओवर इंडिया इन द स्पेसिफाइड सिटीज। द डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कंटेनिंग डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस लैंग्वेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन CTET ऑफिशियल वेबसाइट। वो HTTPS करके देख सकते हो, और हिंदी में भी ये तुम्हारा देख सकते हो आप कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET के 17वें संस्करण के पंजीकृत आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अब ये परीक्षा ऑफलाइन मोड यानी पेन पेपर मोड आधारित होगी। अब परीक्षा 20/8/2023 रविवार को पूरे भारतवर्ष में पेपर 1 और 2 के लिए पहले से पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए निर्दिष्ट शहरों में आयोजित की जाएगी। विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम भाषा पात्रता मापदंड और अन्य प्रासंगिक जानकारी का विवरण CTET की आधिकारिक वेबसाइट से पहले ही उपलब्ध है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये CTET की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। अब ऑनलाइन मोड में परीक्षा नहीं होगी, वो ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगी। मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा चेंज है और ये बहुत अच्छी बात है। जब ये ऑफलाइन मोड में परीक्षा होती तो पेपर का जो सेटिंग था वो बहुत अच्छा होता था। ठीक है, तो आप बात करते हैं इसके पीछे की ऑफलाइन क्यों हो गई परीक्षा ऑनलाइन की वजह से। ये देखो साथियों, ये निर्णय CBSE ने क्यों लिया है उसके बारे में आपको बताता हूँ। जो KBS की परीक्षा भी हुई थी, अब मालूम है फरवरी में कंडक्ट हुई थी, PRET की चल रही थी परीक्षा, तो फरवरी में जो कंडक्ट हुई थी परीक्षा 2023 में, तो उसमें बहुत बड़े लेवल पर चीटिंग देखी गई है। और चीटिंग इतने बड़े लेवल पर देखी गई है, इसका ये मान लो कि जो तुम्हारा दिल्ली और हरियाणा के जो बच्चे हैं वो 78% छात्र दिल्ली और हरियाणा की सिलेक्ट हो गए इसमें। ठीक है साथियों, दिल्ली और हरियाणा केवल एक जगह के छात्र सिलेक्ट हो जाना ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में। तो आप ये ठीक है साथियों, तो ये की जगह के मतलब छात्र 78% दिल्ली और हरियाणा के 78% छात्र सिलेक्ट हो गए हैं KBS परीक्षा के अंदर। और आप लगा लो जो एपटेक कंपनी है यही कराती है, जो CBSE जो है इसने इसी को टेंडर दे रखा था किसके लिए, तुम्हारे CTET परीक्षा कराने के लिए, KBS परीक्षा कराने के लिए, तो यही कंपनी कराती। तो ये कंपनी इतनी मतलब बहुत सारे राज्यों में तो बैन हो चुकी है कंपनी, लेकिन मुझे लगता है ऑनलाइन में सबसे अच्छा नेटवर्क जो है अगर थोड़ा बहुत विश्वसनीय है तो वो TCS का है। TCS अच्छा पेपर कंडक्ट कराती है। और आप एक बार आप देखो ये चीज़ें, CTET का पेपर होता है, पेपर का जो मास्टर पेपर वो कहीं आता है, आंसर की कहीं आती है, ऐसा कभी होता है क्या? एक उसमें दो ना तो बच्चा समझ भी पाए कि ये क्या है। और दूसरी चीज़, इसमें इतने गलत प्रश्नों के बावजूद ये प्रश्न चेंज नहीं करते हैं। ये पिछली बार देखा होगा आपने, दिया होगा आपने, अगर पेपर दिया है तो आपको मालूम होगा CTET के प्रश्न हों या KBS के पेपर हों, उनके जो प्रश्न गलत देने के बावजूद भी चेंज नहीं कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है इसमें, जो परीक्षा कराती थी एपटेक कंपनी, तो इस परीक्षा ये बहुत बड़ी भ्रष्ट कंपनी है। अब ये ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में जब हुआ है तो आप मान लो कि 120 लाना, एक नॉर्मल छात्र है उसको 120 प्लस लाना अब बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा में इसका मालूम ही नहीं है। तो ऑनलाइन परीक्षा में बहुत बड़ी दिक्कतें थी और बहुत सारी समस्याएं हो रही थी लोगों को, तो उस सब सारी समस्याओं को देखते हुए एक दिन में पेपर होता है ना तो उसमें नकल भी रुक सकती है। ठीक है साथियों, जब एक दिन में ऑल इंडिया में पेपर होगा तो नकल भी रुक सकती है और अच्छा पेपर कंडक्ट भी कराया जा सकता है। और पेपर का लेवल जैसा चाहें वैसा सेट कर सकते हैं, इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, इस बात समझते हो आप। ठीक है, तो ये ऑफलाइन परीक्षा मुझे लगता है ज़्यादा बेनिफिशियल है ऑनलाइन परीक्षा से, क्योंकि ये कंपनी बिल्कुल भ्रष्ट है। हाँ, TCS कराती इस परीक्षा को तो ज़्यादा बेनिफिट होता, TCS जो पेपर सेट करती है वो बहुत अच्छा करती है, लेकिन ये और एजेंसियों की मेरे को समझ में नहीं आती कि कैसे तो पेपर सेट करती हैं जब
आंसर की आती है, तो चार चार लोग आंसर की ही देखते रहते हैं, आंसर की देखना नहीं आते लोगों को, ठीक है। तो ये तो बहुत बढ़िया रहा कि ये ऑफलाइन हो गया, और ऑफलाइन में एक दिन में पेपर होगा और कोई झंझट नहीं रहेगा, और जो भी प्रश्न गलत होता है वो CBSE काट देती है उसको, ठीक है। तो ये है बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव जो CTET परीक्षा देने वाले हैं। और अच्छे से परीक्षा दो, अच्छे से तैयारी करो, मैं भी आपको तैयारी करा दूंगा एक महीने तक, एक महीने में पूरी की पूरी, और 120 की गारंटी है, 120 प्लस लग के आओगे, जो बहुत नॉर्मल बच्चा है वो भी, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।